गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे इसमें हिंदी में व्याकरण उद्यान, पाठ नंबर 6। और पाठ का नाम क्या है? लिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। लिंग से शब्दों के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। सभी नाम पुरुष या स्त्री रूप में होते हैं, जैसे गाय, बैल, बच्चा, बच्ची आदि। पुरुष वाले नामों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री वाले नामों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल, फीमेल, जेंडर, तो ये वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर पुरुष है तो उसके लिए हम पुल्लिंग लगाते हैं, और अगर स्त्री है, औरत है, तो उसके लिए हम स्त्रीलिंग लगाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं लिंग? जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। सभी नाम पुरुष या स्त्री रूप में होते हैं, जैसे गाय, बैल। अब देखिए, जो गाय है वो स्त्रीलिंग में आ गया, बैल पुल्लिंग में आ गया। ठीक है, अब बच्चा जो है वो पुल्लिंग में आ गया, और बच्ची जो है वो स्त्रीलिंग में आ गई। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखिए, ये आप लोग खुद से करोगे। चाची चाचा। अब यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग दिए गए हैं और इनको हमने पुल्लिंग में बदलना है। पत्नी पति, रानी राजा, दादी दादा, नानी नाना, शेर शेरनी शेर। आगे देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े बनाइए। राजा रानी, ऊंटनी ऊंट, चोर चोरनी, पिता माता। ठीक है, आगे देखिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखिए। अब हमें यहाँ पर क्या किया है, मिक्स करके दिए गए हैं। पुल्लिंग भी है इधर वाली साइड में और स्त्रीलिंग भी है, तो हमने इनको बदलना है। माली मालीन, मोर मोरनी, बच्चा बच्ची। देखिए, जो गाय है वो स्त्रीलिंग है, तो गाय का बैल। शेरनी स्त्रीलिंग है, तो शेरनी का शेर बन गया। ऐसे ही इधर वाली साइड में किया हुआ है। आगे देखिए आप लोग, नीचे दिए गए चित्रों के नाम और उनके लिंग लिखिए। ये क्या है? बच्चा। बच्चा क्या होता है? पुल्लिंग। ये क्या है? सांप। सांप क्या होता है? पुल्लिंग। धोबी पुल्लिंग। ठीक है, ये हमारे सभी पुल्लिंग हैं। आगे देखिए, औरत स्त्रीलिंग, भालू पुल्लिंग, शेर पुल्लिंग। ठीक है, पता चला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मतलब? पुल्लिंग जो होता है हमारा, जिससे हमें पता चलता है ये पुरुष है, और स्त्रीलिंग जिससे जिसके नाम से हमें पता चलता है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पार्ट नंबर 6 लिंग समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।